कतर, जो कि मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश है, अब वह भारत की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है और वह दोबारा से भारत के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करना चाहता है। क्योंकि एक तरफ जहां कतर ने भारत के 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स, जिनको कुछ महीने पहले कतर सरकार की तरफ से फांसी की सजा सुनाई गई थी, उनकी रिहाई करने का फैसला लिया, वहीं दूसरी तरफ भारत को दोबारा से नेचुरल गैस देने के लिए तैयार हो गया है। अगर भारत के नेवी ऑफिसर को फांसी देने की बात की जाए तो इनका जुर्म केवल इतना था कि इन्होंने एक सीक्रेट सबमरीन के डाटा को लीक करके इसराइल को भेजा था, जिसकी डील कतर और पाकिस्तान के बीच फाइनल हुई थी। वैसे तो इन 8 नेवी ऑफिसरों की सजा माफ होने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारत ने कतर के ऊपर कुछ ऐसे शिकंजे लगाए जिससे कतर भारत के इन 8 नेवी ऑफिसर को छोड़ने पर मजबूर हो चला। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत ने कतर में फांसी की सजा पाने वाले 8 नेवी ऑफिसर को छुड़ाने में कामयाबी हासिल की है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, कतर मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत और कतर के रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं, जिसमें हम अपनी जरूरतों का 48% LNG यानी कि नेचुरल गैस अकेले कतर से इंपोर्ट करते थे। यानी कि देखा जाए तो भारत नेचुरल गैस इंपोर्ट के लिए कतर पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट था, जिसमें भारत की जानी मानी कंपनी पेट्रोनेट LNG ने कतर के साथ गैस इंपोर्ट के लिए एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया था, जहां हर साल कतर से भारत में 8.5 मिलियन टन नेचुरल गैस को भारत में इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन इसी बीच यानी कि पिछले साल 2023 के अक्टूबर महीने में भारत और कतर के बीच कुछ तनातनी हो गई, क्योंकि भारत के जो 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स कतर में मौजूद थे, उनको डेथ पेनल्टी की सजा कतर सरकार की तरफ से सुनाई जाती है। और इन ऑफिसर्स पर इल्जाम केवल इतना था कि इन्होंने एक सीक्रेट सबमरीन, जिसकी डील पाकिस्तान और कतर के बीच फाइनल की गई थी, उसकी जानकारी इसराइल को दे दिया था। इसके बाद भारत ने कतर सरकार से इन नेवी ऑफिसरों को रिहा करने की अपील भी की, लेकिन कतर सरकार की तरफ से भारत के द्वारा भेजी गई इस अपील को रिजेक्ट कर दिया जाता है और कतर सरकार इन नेवी ऑफिसरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके कारण जो इसके पहले भारत और कतर के रिलेशंस कई सालों से बने हुए थे, यहीं से इनके बीच दरार आना शुरू हो जाती है, जिसके कारण भारत और कतर के बीच का बायलेटरल ट्रेड डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें कतर से भारत में इंपोर्ट की जाने वाली नेचुरल गैस को भारत की तरफ से बंद कर दिया जाता है। लेकिन नेचुरल गैस के इंपोर्ट को बंद करने से भारत में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी नेचुरल गैस की जरूरत के लिए मेनली कतर पर ही डिपेंडेंट था। हालांकि इसके अलावा अमेरिका, UAE और ओमान जैसे कंट्रीज से नेचुरल गैस इंपोर्ट की जाती थी, लेकिन नेचुरल गैस का 48% हिस्सा केवल कतर से ही इंपोर्ट होता था। यानी कि भारत में नेचुरल गैस की आपूर्ति मैनली कतर के द्वारा ही किया जाता था, लेकिन भारत और कतर के विवाद से नेचुरल गैस की सप्लाई को अमेरिका और UAE की तरफ पूरी तरह से स्विच कर दिया जाता है, जिसके लिए भारत में नेचुरल गैस इंपोर्ट करने के लिए हाई कास्ट चुकानी पड़ रही थी। और इन्हीं बीच भारत की तरफ से कतर के खिलाफ कुछ शिकंजे कसे गए। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर भी कुछ अन्य मुस्लिम देशों की तरह चावल और दाल समेत सभी अनाज, सब्जियां और फ्रूट्स इंपोर्ट के लिए भारत पर ही डिपेंडेंट है, जिससे कतर चाहते हुए भी भारत से अपने रिलेशन को खराब करना उचित नहीं समझा। कतर को यह बात मालूम हो गई थी कि अगर इन 8 भारतीय नौसैनिकों को रिहा नहीं किया जाएगा तो भारत से कतर में जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और गेहूं, चावल, दाल समेत अन्य अनाजों का इंपोर्ट किया जाता है, उस पर भी जल्द ही रोक लगाया जा सकता है, जिससे कतर भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर को छोड़ने पर मजबूर हो गया, जिसमें से 7 नेवी ऑफिसर इस समय भारत वापस आ चुके हैं, लेकिन एक नेवी ऑफिसर को अभी भी रिहा नहीं किया गया। फिलहाल उनके अपील की प्रक्रिया में 1-2 दिनों का और वक्त लगेगा, इसके बाद उन्हें भी भारत में वापस भेज दिया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा कतर दोबारा से भारत में नेचुरल गैस भी एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया है, जिसमें कतर भारत को 20 सालों तक नेचुरल गैस की सप्लाई करेगा।
जहां भारत की पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच $78 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया गया है। और देखा जाए तो भारत और कतर के बीच $78 मिलियन की यह डील भारत को बहुत बड़े मुनाफे देने वाली है, क्योंकि कतर और भारत के बीच की गई 20 सालों के लिए इस डील में कतर सस्ते दामों में भारत को नेचुरल गैस देने के लिए तैयार है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत एंड कतर के बीच नेचुरल गैस इंपोर्ट के लिए इस लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के कारण $6 बिलियन बचाया जा सकेगा, जिसका यूज हम दूसरे आइटम्स के इंपोर्ट में कर सकेंगे। यानी कि लगभग 20 सालों तक भारत को नेचुरल गैस के इंपोर्ट के लिए अलग अलग देश में नहीं भटकना पड़ेगा। और इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि अगर हम चाहे तो कतर को पैसे ना देकर फूड प्रोडक्ट के बदले कतर से नेचुरल गैस इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे भारत का फॉरेन रेवेन्यू, जो कि भारी मात्रा में नेचुरल गैस खरीदने के लिए इन्वेस्ट हो जाता है, उसको भी बचाया जा सकता है। और हमने आपको पहले भी बताया कि कतर भी कुछ अन्य मुस्लिम देशों की तरह चावल और दाल समेत सभी अनाज, सब्जियां और फ्रूट्स इंपोर्ट के लिए भारत पर ही डिपेंडेंट है, जिसमें भारत से हर साल लगभग $11 मिलियन के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ साथ लगभग $10 मिलियन का अनाज अकेले कतर में एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी कि देखा जाए तो कतर लगभग पूरी तरह से फूड इंपोर्ट के लिए भारत पर ही डिपेंडेंट है। और हम चाहे तो कतर से नेचुरल गैस इंपोर्ट करने के बदले इन्हीं फूड प्रोडक्ट को कतर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे नेचुरल गैस इंपोर्ट के लिए भारत को जो टैक्स और एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता है उससे आसानी से बचा जा सकता है। और इस समय वैसे भी लाल सागर में हूती विद्रोहियों के अटैक के कारण यूनाइटेड स्टेट और भारत के बीच का ट्रेड रूट डिस्टर्ब हो चुका है, जिससे यूनाइटेड स्टेट द्वारा भारत में कच्चा तेल और नेचुरल गैस नहीं आ पा रही है। यानी कि कतर और भारत के बीच नेचुरल गैस इंपोर्ट के लिए फाइनल की गई यह डील काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाली है। और भारत में इन्हीं नेचुरल गैस का इंपोर्ट करके भारत में मौजूद रिफाइनरीज द्वारा LPG और CNG जैसी गैसों का निर्माण किया जाता है, जहां भारत के द्वारा दूसरे देशों में LPG गैस का एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे आने वाले समय में कतर से नेचुरल गैस इंपोर्ट करके रिफाइनरीज द्वारा LPG में कन्वर्ट करके दूसरे देशों में बेचकर भारी भरकम मात्रा में मुनाफा कमाया जा सकता है। और देखा जाए तो ऑलरेडी भारत से श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों में LPG का एक्सपोर्ट किया जाता है। और हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत की पुणे गैस ने श्रीलंका में अपनी LPG गैस को एक्सपेंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे श्रीलंका में LPG की रिक्वायरमेंट को पूरा करके वहां की मार्केट से भी मुनाफा कमाया जा सके। यानी कि कुल मिलाकर भारत को जिस चीज के लिए अभी दूसरे देशों में भटकना पड़ रहा था, अब 20 सालों तक नेचुरल गैस के लिए मार्केट खोजने की जरूरत नहीं है, और कतर से सस्ते दामों में नेचुरल गैस इंपोर्ट करके उससे मुनाफे कमाने का एक बहुत बड़ा कदम साबित होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है कि कतर से नेचुरल गैस इंपोर्ट करके और LPG गैस को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके भारत को अच्छा मुनाफा होने वाला है या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और कतर ने भारत के 8 नेवी ऑफिसर के फांसी की सजा को माफ कर दिया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने साथियों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।